हाँ यही है वही, भाग के जल्दी आ जाओ। अरे भाई रुक, अरे भाई रुक। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश है जी, राकेश लोरा। अच्छा, यही है वो जिसका हम कई दिनों से पीछा कर रहे थे, राकेश लोरा। आप कुल्फी बेचने से पहले क्या काम करते थे? मैं जी कुल्फी बेचने से पहले फिल्मों में वीडियो में काम करता। अच्छा, यही यही हम आपका काफी दिनों से पीछा कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइए भी, आप फिल्मों के बाद में ये कुल्फी बेचना स्टार्ट कर रहे हैं इतनी गर्मी के अंदर, आपने ऐसा काम क्यों किया? जी इंडिया में राजस्थान ये हमारा जो है राज्य है, हाँ, तो इसमें एक गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है, दोनों इनमें क्या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अच्छा, तो गर्मी से क्या है, मैं सोचता हूँ कि सारे इंसान बड़े परेशान हो रहे होंगे, तो उनको मतलब जो कलेजा जो ठंडा करने के लिए मैं आइसक्रीम बेच रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो। तो आप, मैंने सुना है आप राजस्थान में और भारत में ऐसी कई फिल्में कर चुके हैं जो हिट फिल्में हैं, और फिल्मों के साथ साथ आप जो बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर हैं, महान एक्टर हैं, नाना पाटेकर, जॉनी लीवर और सलमान खान और बहुत से ऐसे जो एक्टर हैं उनकी आप मिमिक्री करते हैं। वो जी मेरा शौक है, मैं अच्छा हमेशा... और तो और आपकी बात में एक बार कट कर रहा हूँ, और तो और जो बड़े बड़े राजनेता हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत और अपने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की आप मिमिक्री करते हैं। हाँ हाँ जी करता, ठीक है। तो ये सब अपने जो मिमिक्री सुनेंगे पूरे वीडियो में, दर्शकों को आप मैं बताना चाहूंगा, वीडियो के अंदर जुड़े रहिए, पूरे वीडियो में इनसे अपने मिमिक्री सुनेंगे। और तो और ये सब पूछने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, आप कहाँ रहते हैं अपने दर्शकों को एक बार जरूर बताएं। जी मैं पीलीबंगा तहसील में, गाँव है मेरा बड़ोप्पल और सूरतगढ़ के पास में है। और ये सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है? ये सूरतगढ़ पड़ता है जी गंगानगर से जयपुर रोड के ऊपर पड़ता है। अच्छा, मतलब राजस्थान राज्य के अंदर श्री गंगानगर जो देश का सबसे गर्म स्थान है उसकी तहसील सूरतगढ़ के पास में आपका गांव बडोपड़ पड़ता है, वहाँ के निवासी हैं। बिल्कुल जी। हाँ, तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगा भी, बॉलीवुड में जितने एक्टर है आप जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उनकी एक बार दर्शकों को मिमिक्री जरूर सुना दीजिएगा। मैं जी पसंद तो सभी एक्टरों को करता हूँ क्योंकि मेरे लिए सभी एक समान है और सबको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और ख़ास करके मैं जॉनी लीवर, नाना पाटेकर और धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन, इन लोगों की मैं मिथुनदा की आवाज़ें निकालता हूँ। तो सबसे पहले आप जॉनी लीवर की जो मिमिक्री है वो अपने दर्शकों को एक बार करके जरूर सुनवाएं। तो अगर मान लो जॉनी लीवर जी अगर आइसक्रीम बेचते तो कैसे बेचते, क्योंकि इतनी गर्मी है तो वो किस तरीके? मैं तो कहता हूँ भाई साहब, ये जो गर्मी पड़ रही है ना, पूरी गर्मी में अगर आप ऐसे जल रहे हो, कलेजे में खट्टी डकारे आ रही है, 20 डकार हो गई है, तो मेरी आइसक्रीम खाइए और मजे से घर पे सो जाइए, एकदम मस्त हो जाएगा। वाह जी वाह, देखिए आप कुल्फी बेच रहे हैं और आपके अंदर इतना टैलेंट है, तो आप किसको दो नंबर पर सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं मिमिक्री के मामले में? अगर यही चीज अगर नाना पाटेकर साहब बेचते तो वो किस तरीके से बेचते, तो वो मान लो गर्मी के दूर करने के लिए वो पहले हंसते। अच्छा है, हाँ पहली बार देखा है, अरे इसमें गांव में कोई बाहर नहीं निकल रहा है, अरे एक आइसक्रीम खाओगे तो कलेजा ठंडा हो जाएगा, अरे भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, लेकिन देखा पहली बार एक इंसान आया है जो घर घर आके आपको आइसक्रीम खिला रहा है, खाना है तो जरूर आइए मेरे इस आइसक्रीम वाली रेडी पे। वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अब तीन नंबर पर आप किसको और ज्यादा पसंद कर रहे हैं, दर्शकों को उनकी मिमिक्री और सुना दीजिएगा। जैसे सदी के महान नायक है बच्चन साहब, अगर आइसक्रीम बेचते तो कैसे? देखिए भाई साहब, ये जो गर्मी जो है बहुत ही लाजवाब पड़ रही है, और मैं तो अभिषेक को भी कहता हूँ कि इस गर्मी में क्यों ना थोड़ा मीठा हो जाए और आइसक्रीम खा लिया। तो राकेश जी, आप बॉलीवुड के एक्टरों की जो मिमिक्री है वो सुना रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो आप अब जो अपने कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस बड़े बड़े नेता है, उनमें किसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी उनकी जो मिमिक्री आप दर्शकों को एक बार जरूर सुनाइएगा। देखिए जी, पसंद तो हम सभी को करते हैं और मैं किसी पार्टीबाजी से नहीं कहता हूँ, चाहे राहुल जी है चाहे मोदी जी है, हमारे लिए तो एक समान है। तो आप मोदी जी की एक बार मिमिक्री करके अपने दर्शकों को सुना दीजिएगा। हाँ, मोदी जी अगर आइसक्रीम के लिए कहते तो कैसे कहते? भाइयों और बहनों, ये देश में अभी पीछे ये महामारी के जैसे
एक तूफान आने की बात चल रही थी, तो समुंदर में जैसे ही तूफान उठा तो मैंने कहा क्यों ना गुजरात के लिए प्रबंध कर दिया जाए। वैसे ही राजस्थान के गंगानगर में अगर गर्मी पड़ रही है तो उसके लिए आइसक्रीम का जुगाड़ कर दिया भैया। तो जो भी मेरी कुल्फी या आइसक्रीम खाएगा उसको मजा आ जाएगा। तो जोरदार तालियों के साथ इस आइसक्रीम को ले जाए। तालियां मतलब उनका स्टाइल है इसलिए। देखो राकेश जी, बहुत बढ़िया आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की है। अब आगे आप ऐसे नेता को पसंद करते हैं जिसकी आप मिमिक्री सुनाना चाहेंगे? जैसे सारे नेता मेरे लिए एक समान है। अगर मान लो लालू जी अगर आइसक्रीम बेचते तो वो कैसे बेचते? मोदी जी आइसक्रीम बेच रहे हैं, कुल्फी ले लो, मेरे कुल्फी खाइएगा। मैं ऐसा नेता हूँ जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी जेल में बंद हूँ भैया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो गर्मी जो है उसके लिए मैंने ये आइसक्रीम बेचना स्टार्ट किया। मैं बता के अगर मान लो राहुल जी अगर इस चीज को बेचते तो वो कैसे बेचते? देखिए देखिए भैया, मैं तो कहता हूँ कि आप एक बार आइसक्रीम खाइए और पेट को ठंडा कीजिए। हमारे राजस्थान के माने जाने अशोक जी गहलोत साहब हैं, उनको भी मैंने कहा है आप भी आइसक्रीम की रेडी लगाइए, आइसक्रीम बेचिए। आप जब आप आइसक्रीम बेचेंगे लोगों का कलेजा ठंडा होगा और वो विकास की तरफ बढ़ेंगे। भैया विकास हो ना हो लेकिन आइसक्रीम होनी जरूरी है, क्योंकि कुछ मीठा हो जाए बच्चन साहब भी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ। तो राकेश कुमार जी, मुझे साक्षात ऐसा लगा जितने आपने सभी एक्टरों की सभी नेताओं की आवाज़ें निकाली तो ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मिथुन दा का एक बार फैन हूँ, तो आप उनकी मिमिक्री करके अपने दर्शकों को जरूर सुनाइएगा अपने अंदाज में। अगर मान लो मिथुन चक्रवर्ती साहब अगर फिल्म में जैसे रोल करते हैं वैसे अगर मान लो ये आइसक्रीम बेचते तो वो कैसे बेचते? ओए मैं भी आइसक्रीम खाएगा तो बार बार यही आएगा। अरे मैं तो कहता हूँ अगर एक बार मेरी आइसक्रीम खाई ना मैं कसम कलेजा ठंडा हो जाएगा। क्या बात क्या बात क्या बात रही। वाह राकेश कुमार जी वाह, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ठीक है, तो अपने अंदाज में आप जो ये गुल्फी बेच रहे हैं, आप बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं और मिमिक्री अभी दर्शकों ने आपकी सुन ली है, आप में बहुत बड़ा टैलेंट है। तो आप ये लोगों का एक बढ़िया कार्य कर रहे हैं, लोगों को कुल्फी दे रहे हैं, कलेजा उनका ठंडा कर रहे हैं। तो आप मुझे कुल्फी कैसे बेचते हैं अपने दर्शकों को एक बार जरूर बताइएगा अपनी आवाज में। कुल्फी गर्मा गर्म खा के हो जो नर्म, कुल्फी गर्मा गर्म जिथे तक मेरी आवाज पहुंच रही है किसे भरा दे कन्ना च गूंज रही है, प्लीज आके कुल्फी खाओ कलेजा ठंडा करके जाओ। तो राकेश कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आपने देखा ये है राकेश लोहरा, जिन्हें राजस्थान में और भारत में भी कई कई फिल्मों में काम कर अपना नाम रोशन किया है। और तो और बॉलीवुड के एक्टरों की और जो राजनेताओं हैं, बड़े बड़े राजनेताओं हैं, उनकी मिमिक्री आपने अभी देखी। और मिमिक्री करने के साथ साथ इतना बड़ा इनमें टैलेंट है और अभी ये क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इतनी कड़ी धूप के अंदर कुल्फी बेचने का काम कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और आप अभी से फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लक्ष्मण के वीडियो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा। कैमरामैन लक्ष्मण के वीडियो के साथ मैं आर एस वर्मा, धन्यवाद।